अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद ए के राजवीर सो गाइज आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगी डेली वाली क्लास जो आपकी एवरी डे होती है लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में तो चलिए आ जाइए इस क्लास के लिए दोस्तों आज वाली क्लास के लिए मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक स्पेशल टॉपिक लिया है ई दो भाई ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे लेकिन फिर भी मैंने एक स्पेशल टॉपिक लिया गाइज स्पेशल रेफरेंस ऑन शेक्सपियर मींस विलियम शेक्सपियर विली गाइज तो बिल्कुल आज हम इनकी बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से बात करने वाले गाइज और बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में आप सभी के लिए चलिए शुरू करें आई सो गाइज काफी सारे लोग आ गए होंगे और जो लोग नहीं आए होंगे तो वो धीरे धीरे आ जाएंगे है ना शुरू करेंगे गाइज इस क्लास को वैस वैसे गाइज मैंने आपके लिए स्क्रीन में एक क्वेश्चन रखा था बाय इज अरेक्टर इन शेक्सपियर्स वीडियो में आपको पता चल जाएगा कौन है गाइज वो कैरेक्टर और इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन गाइस आप सबको मैं देना चाहूंगा ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म यू कैन ज्वाइन माई पेड कोर्सेस यूजीसी नेट एंड हाउ यू कैन ज्वाइन बाई अप्लाइंग कोड ए केसराजी दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल एस्पेरेंट दो यूजीसी ने टीजीटी पीजीटी और एल टी एग्जाम और एनी अदर एग्जाम लिटरेचर जहां पर भी आता हो गई क्लास उसी से पर्टिकुलर एसोसिएटेड है यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर पेड कोर्स फॉर यूपी टीजी एलटी एंड पीजी एल टी का जो टीजीटी पीजीटी है वो भी अवेलेबल है और यूजीसी ने क्लास ऑन अन्य सारे जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं क्योंकि मैंने टी ट्वेंटी इसका नाम दिया है सीरीज का तो कल मैंने आपके साथ ट्वेंटी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे सो so गाइज आज हम ट्वेंटी और ये लीजिए गाइज ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को देयर इज एन अप क्रो ब्यूटीफाइड विद आर फीदर्स दैट विदाइगर हर्ट इन प्लेयर्स हेड सो गाइज ये ब्लैंक स्पेस है आप इतना कट कर लीजिएगा गे जो पार्ट है ना हु इज डिस्क्राइब्ड बाई सुबस जस्ट आपको फिल इन द ब्लैंक करना है बाकी ये डिस्क्राइब्ड बाई मैं आपको लास्ट में बता दूंगा यस हु इज दैट एंड हु डिस्क्राइब्ड ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगा बट जस्ट फिल इन द ब्लैंक स्पेस बंडल रैप्ड हिडन और मिक्सड बाकी मैं ये लास्ट में आपको बता दूंगा आंसर करने पर हरी अब गाइज ऑल ऑफ यू प्लीज यस वेलकम गाइज सर विच बुक इज द बेस्ट सर विच बुक इज द बेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर अरे भाई सारी एक बुक कोई नहीं है इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत सारी बुक्स है डिफरेंट डिफरेंट बट पर्टिकुलर किसी एग्जाम के जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं यू मे बाई रिगार्डिंग द एग्जाम आप जैसे जो भी मार्केट में गाइड होती हैं वो बाई कर सकते हैं बाकी लिटरेचर के लिए कंबाइंड नहीं होती इंग्लिश के लिए अलग अमरीकन के लिए इंडियन के लिए अलग 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 बुक है, है ना? और बीच बीच में आप पहले ब्रह्मास्त्र करें, करें। बताइए है ना? Guys, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट वाला आंसर है देखिए कितने लोगों ने आंसर सही किया है Guys, डब्ल्यू आर ए पी टी बी इज द राइट वन आंसर गाइज रैप्ड रैप्ट इन प्लेयर्स हाइड और अब आते गाइज हु इज डिस्क्राइब्ड हूम इन दीज लाइन्स है ना सो so, ये गाइज रॉबर्ट ग्रीन है आर ओ बी आर टी एंड जी आर डबल ई एन ई रॉबर्ट ग्रीन ठीक है रॉबर्ट ग्रीन और किसको डिस्क्राइब किया है शेक्सपियर को एस एच ए के ई एस -E -R, और किस वर्क में सो so दे इसका दिस इज दर्क बाई हु वर्क बाई रॉबर्ट ग्रीन ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट जहां पर विलियम शेप शेक्सपियर को ग्रीन ने ऐसे डिस्क्राइब किया है Got it Next one question, guys. So, here ha, have next one. Whose influence was is still apparent in Richard III by Shakespeare, guys? There is a work, Richard III by William Shakespeare. So, whose influence was is still apparent? Marlowe, Seneca, Nash, or Green? All of you guys, hurry up. यस गाइस प्लीज एंड गाइज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो कमेंट नहीं कर सकते एंड बाय द वे जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता सो आप सब्सक्राइब और बेल एक बेल बना होता है सब्सक्राइब के बगल में चेक जरूर करें ठीक है टेलीग्राम में डॉक कर दिया स्टेटस पे अपडेट कर लीजिए एक बार व्हाट्सएप ओके गाइज सो करेक्ट वन आंसर ये इसका राइट आंसर है गाइज सेनेका एस ई एन ई सी ए सेनेका हु सेनेका सो आपका आंसर होना चाहिए गाइज रोमन प्ले राइट क्वॉट इट रोमन प्ले राइट ही वॉज रोमन प्ले राइट सेनेका एंड गाइज यू नो विलियम शेक्सपियर सो ही अडॉप्टेड वॉट रिवेंज ट्रेजिडी पैटर्न रिवेंज ट्रेजडी पैटर्न फ्रॉम वेयर गाइड सो सेनेका बिकॉज सेनेका ने ही रिवेंज ट्रेजिडीज के पैटर्न को स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल बाई वे गाइड ये जो वर्क है आपका रिचार्ड दी थर्ड बाई विलियम शेक्सपियर सो इन दिस पर्टिकुलर वर्क यू कैन सी घोस्ट एंड ऑल जो अपियरेंसेज है

च इज द प्ले इन विच शेक्सपियर फॉलोज द यूनिटीज इन द ब्रॉड सेंस सिंबलिन दिन स्टेल द टेम्पेस्ट मीजर फॉर मीजर गाइज सो विच वन इज द वर्क गाइज जहां पर विलियम शेक्सपियर ने सारी चीजें फॉलो की हैं गाइज शेक्सपियर कॉपी करके फेमस हुआ है बिल्कुल बात सही है आपकी सो कॉपी कीजिए और आप भी फेमस हो सकते हैं बट कॉपी पॉजिटिव वे में होना चाहिए वरना प्लेटो से मुलाकात हो जाएगी प्लेटो ने कहा कि जो लोग कॉपी करते हैं उन्हें सीधा सा बाहर कर दो डायरेक्टली फ्रॉम आउट आउट फ्रॉम स्टेट डायरेक्टली ऐसा ही कहा था, है ना? ये बात याद रखेंगे द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन गाइजेयर इज द राइट वन आंसर एंड द राइट आंसर इज सिंबलिन गाइज कितने लोगों ने राइट right आंसर दिया है सिम्बलिन वन गाइज फर्स्ट वन इज द राइट वन आंसर विच इज द प्ले इन विच शेक्सपियर फॉलोज द यूनिटीज इन द ब्रॉड सेंस गाइज गॉट इट ऐसा कहा जाता है कि एक इनका और वर्क है गाइज जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम को इन्होंने फॉलो किया है गाइज एंड वॉट इज द नेम ऑफ दैट वन प्ले गाइज सो आई थिंक दस्ट जहां पर गाइज आप समझ लीजिए यूनिटी ऑफ टाइम को बहुत अच्छे से फॉलो किया है विलियम शेक्सपियर एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए यहां पर विलियम शेक्सपियर ही वायलेटेड वी ओ आई एल ई टी वायलेटेड वॉट गाइज वी ओ आई एल ई टी डी वायलेटेड गाइज वॉट वायलेटेड सो आंसर इज थ्री यूनिटीज वॉट आर दीज थ्री यूनिटीज गाइज है ना टी आई ई एस यूनिटीज What are these three unities? 1, 2, and 3. Time, place, and action. TPA. Time, place, and action, guys. These are the three unities let down by Aristotle. Aristotle, ne diya. Tha. Got it? T O T L E. You must remember, guys, this violation was supported by Dryden. Dryden. एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बोथ ऑफ दम सपोर्टेड की विलियम शेक्सपियर ने जो यूनिटीज को वायलेट किया है वो गलत नहीं है ठीक है यस दे सपोर्टेड कि जो यूनिटीज को वायलेट किया ये कोई गलत बात नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेरेटिव पोएम बाई शेक्सपियर नोटेड फॉर इट्स लिरिकल ब्यूटी रेप ऑफ लुक्रिस रेप ऑफ दॉग एस्ट्रोफिल एंड स्टेला द रेलिक्स गाइज ऑल द वर्क दी जो आपकी स्क्रीन में है मास्टर पीस है बट क्वेश्चन बहुत ईजी है सुपर एजी सो विद एनी डिले आई एम गोइंग टू शो यू द राइट वन आंसर बिल्कुल देख लीजिएगा राइट आंसर जो आपकी स्क्रीन में आ ही जाएगा गाइज है ना बिल्कुल एंड वन थिंग प्लीज डू रिमेंबर शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा बाकी मेरा काम है राइट आंसर इज रेप ऑफ लूक्रेस गाइस सो इसको याद रखेंगे लॉन्ग नैरेटिव इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव पोम ठीक है इतना तो याद रख लेंगे रेप ऑफ द लॉक इट्स बाय पोप पोप आई मीन एलेक्जेंडर पोप एंड दिस इज मॉक हीरो गाइज मॉक हिरो और यू कैन से गाइज मॉक एपिक ऐसा भी आप बोल सकते हैं इसे यस देन एस्ट्रोफेल एंड स्टेला गाइज एस्ट्रोफेल एंड एंड स्टेला दिस इज दर्क बाई होम गाइज इज इट बाई सिडनी और स्पेनसर वो आप बताएंगे मुझे रेलिक्स रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री This is the work associated with Bishop Parsi. B-I-S-H-O-P and P-E-R-C-Y. Bishop Percy. Bishop Percy, he was one of the prominent figure during pre-romantic period, guys. Got it? Pre-romantic time period or transitional time period. Clear, Anna? Yes. Got it? Yes. Okay? Let's guys. यस यू आर राइट टेम्पेस्ट में थ्री यूनिटीज को यूनिटीज तो अप्लाई हर जगह किया है बट यस शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा जिस यूनिटी को फॉलो किया है दैट इज एक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन फॉलो किया है टाइम और प्लेस इनको वायलेट कर दिया है ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम ओके एस्ट्रोफेल स्टेला किसी ने बताया ही नहीं गाइज यस इट्स बाई सिडनी एस आई डी एन ई वाई सिडनी प्रेम कहानी है गाइस यस एस्ट्रोपेल एंड स्टेरा द स्टार एंड द स्टार लवर है ना गाइस यस हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि तारों में भी आपको देख लेंगे ये वाली कहानी थी यहां पर हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि तारों में भी आप दिखने लगेंगे वो तो हम लोगों ने कहावत सुनी थी दिन में तारे दिखने लगते हैं बट गाइस ये तारे देख लेते थे एक दूसरे में व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर अ फारस विद अ मच इनवॉल्व प्लॉट वॉज मॉडल्ड ऑन प्लॉटस गाइस विच प्ले ऑफ शेक्सपीयर अफार्स विद अ मच इनवॉल्व प्लॉट वॉज मॉडल्ड ऑन प्लॉटस द कॉमेडी ऑफ एरर्स ऑल वेल दैट्स इन्स वेल लवस लेबर्स लॉस्ट या इनमें से कोई वाला नहीं चलिए जल्दी से गाइस आपकी स्माइल जब कमेंट बॉक्स में आती है तो मतलब ऐसे लगता है कि है ना कोई नहीं बहुत अच्छी बात है द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन गाइड सो हेयर इज द राइट वन आंसर राइट आंसर इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स गाइड्स द कॉमेडी ऑफ एरर दिस वन पर्टिकुलर वर्क मॉडल्ड ऑन प्लॉटस एंड देर आर टू वर्क बाई प्लॉटस यहां पर लिखे हैं गाइज यस वन इज दमी एंड अनादर वन इज गाइज एम्फी टो दीज आर द टू वर्क दैट वर बेसिकली ग्रेट इंफ्लुएंस ऑन शेक्सपियर एंड दीज टू वर्क आर एसोसिएटेड विद प्लॉटस गाइज ठीक है प्लॉटस प्लॉटस एंड टेरेस से ऑलवेज काफी ज्यादा इंफ्लुएंस थे सेड क्रॉनिकल बहुत ज्यादा इनके लिए गए यूनो यस हॉलिनसे क्रॉनिकल सो दैट वॉज बाई राफेल हॉल इंसेड है ना सो यस दैट क्रॉनिकल वॉज ऑल्सो अकाइंड ऑफ पैटर्न फॉर विलियम शेक्सपियर सो कई सारी ऐसी चीजें हैं गए जो विलियम शेक्सपियर ने मोस्ट ऑफ द टाइम अडॉप्टेशन ही लिया है डिफरेंट डिफरेंट वर्क से नेक्स्ट वन सम आर बोर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस सम हैव ग्रेटनेस तर्स अपॉन देम इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू दीज से किस प्ले में ऐसी लाइन आती है कुछ लोग समेट कुछ लोग पैदा ही महान होते हैं सम अचीव ग्रेटनेस और कुछ लोग इसे प्राप्त कर लेते हैं महानता को प्राप्त करते हैं सम हैव ग्रेटनेस तर्स्ट अपॉन देम और कुछ लोगों में ग्रेटनेस पाने वाली एक प्यास होती है यस गाइज सो कौन से वर्क में लाइन मिलती है आपको हेमलेट ट्वेल्थ नाइट ओथेलो और दी टेम्पेस्ट वाओ ग्रेट गाइड सुपर यस कीप ऑन आंसरिंग एंड कीप ऑन गोइंग गाइड ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है मोटिवेशन भी आपके लिए ठीक है राइट right आंसर है गाइज इसके लिए ट्वेल्थ नाइट एंड यू नो गाइज कौन है स्पीकर ट्वेल्थ नाइट में इन लाइन्स का सम आर बोर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स आपका है किसका गाइज ये किसका डायलॉग है इन ट्वेल्थ नाइट डी आई ए एल ओ जी यू ई गाइज डायलॉग डायलॉग एंड मोनोलॉग है ना गई सुना है ना आपने देखिए मोनो भी आप सुनते हैं और डाई भी सुनते हैं मैंने आपको बताया था मोनो और डाई में क्या मतलब होता है पता नहीं आपको याद रहता है या नहीं यस आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर ऐसा कौन इंसान था गई जिसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया यस गॉट इट या hurry up guys all of you please go for it write one answer who said i admire ben johnson but i love shakespeare guys kanta dr johnson dryden lamb or william has lit. the right answer of this one is yes guys john dryden john dryden in his work essay on of dramatic poesy guys so there

और शेक्सपियर को होमर भी कहा है मस्टर है ना ये चीजें आपको याद होनी चाहिए थी नेक्स्ट वन बायरन गाइड्स गाइज ये आपने देखा ही है मेरे थंबनेल पर था बी आई आर ओ एन इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स द कॉमेडी ऑफ एरर्स द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना अ समर नाइट्स ड्रीम और लव्स लैबर्स लॉस्ट कल गाइस मैं सोच रहा हूं प्लान कर रहा हूं कि मैं कुछ क्रिटिसिज्म का पार्ट लेकर के आऊं है ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ऑल और शाम को गाइस मैंने आपको बताया था ना 8 पीएम माय क्लास ऑन अनअकादमी एप फॉर ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम दे कैन जॉइन मी लाइव देयर राइट आंसर इज गाइस लव्स लॉस्ट द कैरेक्टर बाइरन बी आई आर ओ एन अपीयर इन द प्ले लवस लेबर्स लॉस्ट बाकी आप मिड समर नाइट ड्रीम को जानते ही है थोड़ा बहुत टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना गाइस एंड कॉमेडी ऑफ एर विलियम शेक्सपियर अंबर ऑफ वर्क गाइस समझ ही नहीं आता किस वर्क को याद कर लिया जाए है ना विच प्ले ऑफ शेक्सपियर बिगिनस विथ दीज लाइन वेन शैल वी ट्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन ये वाली लाइन गाइज बड़ी जबरदस्त है ना बिल्कुल सही कहा ना मैंने यस गाइज लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म नेक्स्ट डे का मेरा प्लान होगा एंड आई होप सो गाइज लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आने का प्लान है मेरा क्विक रिविजन टाइप है ना बिल्कुल और इंडियन एस्थेटिक्स पढ़ाने का मूड है मेरा अन अकेडमी पर विच प्ले ऑफ शेक्सपियर बिगिन विद दीज लाइन्स सो द राइट आंसर इज गाइज बहुत ईजी है यही हो सकता है और कोई नहीं है गाइज मैकबेथ मैकबेथ एंड दो थ्री वियर्ड सिस्टर वो तीन चुड़ैलें थ्री वियर्ड सिस्टर्स गाइज है ना यस yes. और एक फोर्थ विच भी थी गाइस फोर्थ डब्ल्यू आई टी सी एच हु विच अरे भाई लेडी ही है लेडी मैकबेथ गॉट इट गाइस लेडी मैकबेथ की स्पीच कौन सी वाली सी वाज कॉलिंग फॉर द स्प्रिड कम हियर एंड अनसेक्स मी गॉट इट यस So see this one, for a good poet, for a good poet is made as well as born, and such were thou, who paid this richest compliment to Shakespeare. कौन है गाइड जो विलियम शेक्सपियर को इस तरह से याद कर रहा है? Who is that? For a good poet is made as well as born, and such वर्ड दाऊ तुम ऐसे ही थे गॉट इट राइट आंसर बैकन बेबस्टर बेन जॉनसन जॉन मार्स्टन वाओ गाइस ग्रेट कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए आप सभी का एवरी वन ऑफ यू एटलीस्ट एक बार राइट right आंसर तो दो ही सकते हैं गाइस राइट आंसर इज बेन जॉनसन गाइस देखिए बेन जॉनसन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जॉन ड्राइडन एसी ब्राटली विल्सन नाइट ई एम है ना और स्टैनली फिस, और कौन है सैमुअल टेलर कॉलरिज सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड एनी वन एल्स चार्ल्स लैम देर आर नंबर ऑफ यू नो गाइज फिगर्स क्रिटिक्स दोज आर एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर बेन जॉनसन ने गाइज एक पोयम लिखी है

Which critic of Shakespeare wrote the How Many Children Had Lady Macbeth? AC Bradley, LC Knights, Wilson Knights, or uh, Dowden Guys? Who is that who wrote a work? How many children had Lady Macbeth? Yes. हाउ मैनी च्रन यस माई बिलवेड राइटर मिस्टर विलियम शेक्सपियर या ग्रेट गाइज जिसका गलत हो गया है तो याद कर लीजिए जिसका सही हो गया है सो बी हैपीट इट ऑलवेज राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज एल सी विल्सन नाइट्स गाइज है ना यस एल सी नाइट्स ने गाइज ये वर्क लिखा है हाउ मैनी चिल्ड्रन है लेडी मैकबेथ लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे थे गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट एसी ब्राडली ने गाइस कौन सा वर्क लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एलसी नाइट्स देख लिया गाइस विल्सन नाइट ही वाज आल्सो एसोसिएटेड अर्नेस्ट डाउडन ही वाज आल्सो वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ विलियम शेक्सपियर इनके बारे में मैं ज्यादा याद नहीं है मुझे इसलिए नहीं बता रहा नेक्स्ट वन which play of shakespeare do the critic consider most autobiographical and which character is identified with shakespeare king lear and lear hamlet polonius the tempest prospero or none of these go for it guys or Tattak. हम थोड़ा सा पानी पी लें है ना पानी बहुत जरूरी है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा <coughs> चले सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज टेम्पेस्ट एंड प्रोस्पैरो दिस इज कंसीडर्ड एज मोस्ट identified guys you know guys like most autobiographical one most autobiographical one and the play is the tempest and here in this play you can see a character named prospero so this is considered as autobiographical one having element of his own life which of the following is the famous shakespeare's or biographer guides yeah t.s eliot e.k chambers charles lamb joseph Edition guys so who was that who wrote biography of william shakespeare a most or guys you know famous biographer famous biographer गाइस ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी प्लीज एंड लाइक एंड शेयर तो नहीं किया होगा आपने चलिए कोई बात नहीं चलेगा यस द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज या गाइज ये वाला राइट right आंसर है ई के चैम्बर्स ई के चैम्बर्स सो ही रोट अ वर्क इंटाइटल्ड विलियम शेक्सपियर a study of facts and problems and the work is associated with sir edmund cratchvor chambers means in short e k chambers guys e k chambers edmund cratchvor chambers okay yeah and he wrote a work william shakespeare a study of facts and problem

लियर को गाइज आई मीन किंग लियर को क्रिटिसाइज किया है जोसफ एडिशन ही ऑल्सो रोट अ फ्यू एसेज ऑन शेक्सपीरियन ट्रेजेडीज ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज ओ माई गॉड सुपर इजी क्वेश्चन आप सबको मिल गया है जैक्स कैलिबन टच स्टोन और फॉल स्टफ हरी अब गाइज ऑल ऑफ यू प्लीज बी रेडी and write one answer on comment box only only and only on comment box yes guys go for it and choose right one answer ओके गाइज सो हेयर इज द राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज आई थिंक जैक्स यस जैक्स इज द राइट वन आंसर गाइज ऑल द वर्ड इज इज स्टेज एसोसिएटेड विद जैक्स गाइज है ना यस एंड मैन एंड वेमेन्स मेयरली प्लेयर्स और गाइज आपको ऐसी ही लाइन मैकबेथ में भी मिलती है मैकबेथ लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो अट इट स्ट्रेट आर अपन स्टेज एंड देर नो मोर दीज आर द लाइन फ्रॉम मैकबेथ बाई वेक्सपियर आपके एग्जाम में पूछी जाती है गाइस लाइफ इज ए टेल्ड टोल्ड बाई एन एडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी साउंड एंड फ्यूरी टाइटल फॉर विलियम फॉकनर है ना एज कैन नॉट वेदर हर नोर कस्टम स्टेल हर इन फाइनाइट वराइटी हु इज द पर्सन रेफर्ड टू डेस्टमोना मिरांडा क्लियोपैट्रा वॉयला गाइस दीज ऑल आर द हीरोइन विलियम शेक्सपियर की यह गाइस हीरोइन है इन डिफरेंट प्लेस है ना लाइक डेस्डमोना इन ओथेलो मिरांडा गाइस कहां पर है प्लीज बताएं क्लियोपैट्रा कहां पर है गाइस एंटनी एंड क्लियोपैट्रा एंटनी एंड क्लियोपैट्रा गाइज ए एंड सी एंड वॉयला कहां पर है गाइज वो आप बता सकते हैं वॉयला एंड डिस सर सम वेयर आई स्टडाइड निकोलस रो वर्द शेक्सपियर्स बायोग्राफर सीपी मिश्रा ओनली वन बायोग्राफर इज नॉट देयर बहुत सारे लोगों ने लिखा है तो जो ऑप्शन जैसे होते हैं यहां पर आप देखिएगा जो ऑप्शन मैंने आपको शो किए लाइक बायोग्राफर्स वाले जैसे देखिए आप इनमें से आपको लिए कोई भी बायोग्राफर नहीं है ना एलियट ना ही लैम और ना ही एडिशन गॉट इट विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है ठीक है सो लॉजिक लगाना होता है ऑप्शंस में देखना है कई सारे लोगों ने लिखा हो लेकिन ऑप्शन क्या है फोकस ठीक है एंड द राइट आंसर इज गाइज क्लियोपैट्रा क्लियोपैट्रा कहां पर आपको मिलती है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा गाइज एंटनी एंड क्लियोपैट्रा दिस इज द प्ले बाय विलियम शेक्सपियर और इसी पर बेस्ड है ड्राइडन का ऑल फॉर लव है ना गाइज ऑल फॉर लव हीरोइक ट्रेजेडी प्यार के लिए सब कुछ मिरांडा एंड वॉला किसी ने बताया ही नहीं टेम्पेस्ट एंड ट्वेल्थ नाइट यस टेम्पेस्ट एंड ट्वेल्थ नाइट गाइज याद रखेंगे ये तो बाकी गाइज दीज ऑल आर द लीड कैरेक्टर है ना लीड कैरेक्टर हाउ डज द शेक्सपीरियंस सोनेट डिफर फ्रॉम पेट्रॉकन सोनेट गाइज कैसे subject matter rhyme scheme style and diction the treatment of love in which way shakespearean sonnets are different from petrarchan sonnet petrarchan sonnet means guys italian and shakespearean sonnet what does it mean shakespearean sonnet means english sonnet so in which pattern both are different guys hana Bilkul. राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन गाइज सो हियर इज द राइट वन आंसर इन राइम स्कीम क्लियर कट डिफरेंस गाइज देखिये एक तो राइम स्कीम है दूसरा है गाइज स्टेन्जाइक पैटर्न राइमिंग स्कीम सो पेट्राक एंड शेक्सपियर पेटराक गाइज ए बी बी ए बी बी एंड देन सी डी ई C D E 6 8 octave and cestate 8 plus 6 14 lines Shakespeare guys A B A B C D C D E F E F G G guys so 4 4 and 4 4 plus 4 plus 4 plus 2 means 14 lines isn't it yeah सो देखिए स्टेंजाइक पैटर्न डिफरेंट है राइमिंग स्कीम डिफरेंट है गॉट इट स्टेंजाइक पैटर्न एंड राइमिंग स्कीम दीज टू आर डिफरेंट गाइस इट ना यस ठीक है चलिए एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज ओनली विद स्पीच फेयर सी वूज द जेंटल एयर टू हाइड हर गिल्टी फ्रंट विद नो these lines are from which of the works of milton paradise lost paradise regained the commerce on the morning of christ natty the right one answer please hurry up go for it guys chaliye sabhi log or bilkul correct answer three quart and one couplet yes sir tempest padha jay देखिए YouTube एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं किसी ने भी कहा है कि मुझे मेजर स्कूल ऑफ पोएट्स एंड ऑल के बारे में बता दीजिए ज्यादा नहीं कुछ दिन हुआ होगा अन अकेडमी पर क्लास ली थी देखिए आप लोग खुद कंसिस्टेंट नहीं रहते आप लोग जब मन किया तो क्लास आएंगे नहीं मन किया तो नहीं आएंगे है ना ये वो वाली क्लास तो है नहीं कि आज नहीं आ, आए हो मुर्गा बनो डायरेक्टली नो वन कैन मेक नो वन कैन पनिश तो मैं मतलब हमारा तो काम ही है हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाते मेजर स्कूल ऑफ पर कंप्लीट किया था लेकिन अभी भी मतलब ये है कि नहीं ठीक है यहां पर प्रोवाइड कर दे। देखिए मेहनत करनी पड़ती है भाइयों और बहनों सफलता के लिए जागना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है कठिन परिश्रम करना पड़ता है तब जाकर के कहीं सफलता मिलती है सफलता मेरे दो शब्दों से नहीं मिलती सफलता इस क्लास को बस देख लेने से नहीं मिलती निरंतर प्रयत्न और कठिन परिश्रम चीजों को जानना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये सारी चीजें आज की दुनिया में जहां पर टेक्नोलॉजी है व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक मेटावर्स का जो जमाना है इस जमाने में अगर आप सोचे कि कोई मंत्र दे दे और मंत्र देकर के हमारा काम चल जाए तो पॉसिबल नहीं है इसके लिए निरंतर प्रयत्न और पढ़ना पड़ता है और पढ़ेंगे कैसे जब रेगुलर बनेंगे और रेगुलर बनेंगे कैसे जब कोशिश करेंगे आपके गूगल पर हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इवन ये क्वेश्चन भी अवेलेबल है लेकिन पढ़े कौन ढूंढे कौन क्यों ढूंढे हम क्यों पढ़े हम गॉट इट बी द एक्सप्लोरर बी द लवर सिर्फ एक लड़की से ही प्यार नहीं किया जा सकता माता पिता से प्यार किया जा सकता है, अपने लक्ष्य से अपने गोल से प्यार किया जा सकता है और भी दुनिया में कई चीजें हैं जिनसे प्यार किया जा सकता है लर्निंग इज वन ऑफ ऑल्सो द पैशन कि जब आप लर्न करना चाहते हैं देखिए आप मुझसे बड़े छोटे सब तरह से हो सकते हैं लेकिन बात सही मैं कह रहा हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पर अवेलेबल है बट बी द एक्सप्लोर बी द रिसर्चर सर्च एवरीथिंग ट्राई योर बेस्ट है ना देखिए अगर आपने मुझसे कहा सर आप मुझे जैसे अभी किसी ने कहा सर मुझे टेम्पेस्ट पढ़ा दीजिए बिलीव मी अगर आप यूट्यूब पर टेम्पेस्ट सर्च करेंगे तो पचास टीचर खड़े होंगे जो आपको पचास लोग टेम्पेस्ट पढ़ा रहे होंगे गलत नहीं कह रहा मैं सच बात बोल रहा हूं सच में लेकिन कौन पढ़े यार कौन पढ़े देखिए उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी टाइम अपना देना होगा समय के साथ लगना होगा जो बहुत जरूरी है कंसिस्टेंट, सक्सेस मिलेगी और अगर आप इधर उधर दौड़ रहे हैं तो नहीं मिलेगी आप नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ेगा ये रूल है हंड्रेड परसेंट गाइज आप नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ेगा रेस है लंबी रेस और लंबी रेस में दौड़ना होगा हमें आपको सबको मैं अगर ठीक ना पढ़ाऊं तो आप किसी और से पढ़ेंगे जैसे अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो आप किसी और से पढ़ लेते हैं वैसे ही अगर आप नहीं पढ़ते तो कोई और पढ़ता है और उसे नौकरी मिलती है समझ पा रहे हैं मेरी बात उसे जॉब मिलती है उसे उसका ड्रीम फुलफिल करने का मौका मिलता है थोड़ा हृदय पर ना लीजिएगा दिल पर चोट ना लगाइएगा पॉजिटिव लीजिएगा लाइफ टाइम आपके काम आएगा आप अपनी जिंदगी बना पाएंगे राइट right आंसर है इसका ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट ये जो पोयम है ना जॉन मिल्टन की गाइड जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट रिगेन सब कुछ लिखा बट यू नो गाइज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नैटिविटी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पोयम है ना अर्लियर राइटिंग में इसे कंसिडर करते हैं हम अर्लियर राइटिंग बाई जॉन Milton, guys, got it now? Kun. So the right one answer you have got. Milton's. Then you have blank space. The fragment of a mask is a fine compliment in verse to Dogger Countess of Derby, whose praises Spencer had sung when she was the wife of. Lord is strange. Commerce, Arcades, Lycidas, or El Allegro. Milton's, which one work, guys? That is a fragment of mask and all, guys. Go through the question. Yes, such me. या yeah गाइज कोई बात नहीं देखिए प्लीज दिल पर ना लीजिएगा मैंने कहा था आपसे मेरे शब्द जो है एक शिक्षक के जो शब्द होते हैं राइट डायरेक्शन में लेने चाहिए है ना द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज द वर्क दैट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ अ मास्क इज अ फाइन कंप्लीमेंट इन वर्स टू डॉगर काउंटस ऑफ डरबी हूज प्रेजस स्पेंसर है वाइफ ऑफ लॉर्ड स्ट्रेंज मतलब गई स्कूल मिलाकर के दिस इज ऑल अबाउट आरकेड्स बाई जॉन मिल्टन रेयर वर्क है ऐसे क्वेश्चन आपके यूजी सीनेट एग्जाम में जरूर आते रहते हैं एनसी सैमसन द सेंट्रल कैरेक्टर इज इन सैमसन अगेनेस्ट एज अब्रू चैंपियन

गाइज हरी अपलेक्ट राइट वन आंसर बाई दो करूंगा राइट आंसर मेन कैरेक्टर इन द वर्क सैमसन अगेनिस्ट इट सेल्फ सैमसन करके गाइज एक वर्क है एंड देर यू कैन सी अ कैरेक्टर जिसका नाम है सैमसन अगेनिस्ट और वो कौन था हिब्रू चैंपियन बिब्लिकल कैरेक्टर भी है गाइज ये बाइबल में भी गाइज इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है किसका सैमसन का एंड यस वर्क बाय जॉन मिल्टन इज आल्सो बेस्ड ऑन सेम मतलब इनी पर बेस्ड है क्योंकि गाइज ये है हमारी ट्वेंटी वाली सीरीज एवरी डे में ट्वेंटी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराता हूं और मैंने जो अपनी ड्यूटी है वो पूरी की है और आप अगली क्लास मेरी देख सकते हैं कहां पर सो so, अगली क्लास आप देख सकते हैं मेरी अन अकेडमी ऐप पर बाय अप्लाइंग कोड ए के राजवीर अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं एवरी डे एट पी होती है आपके लिए अन अकेडमी ऐप पर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स गाइज और वहां पर मैं आपके लिए कराता हूँ विद पोल एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें मैं फोर्टी क्वेश्चन एवरीडे करवाया करता हूं सुपर फोर्टी सीरीज सुपर फोर्टी सीरीज में फोर्टी क्वेश्चन मैं करवाता हूं और बाकी अगर आप पेड कोर्सेज एंड ऑल लेना चाहें देखिए पेड कोर्सेज में बेनिफिट मिलता है कि जो आप भागते रहते हैं सीक्वेंस ढूंढते रहते हैं कि किस सीक्वेंस से क्या पढ़ें जैसे एल की क्लास चलती है तो एल्टी के टॉपिक वाइज टॉपिक जैसे लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ाया जाता जैसे है जैसे पोएम्स एंड ऑल है यूजीसी कर लेते हैं तो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ऑल द राइटर्स देयर वर्क्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके लिए एक अच्छी कोशिश की जाती है आप एक मिनिमम अमाउंट पे करके अपना ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं यह आपकी एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है हम ड्रेसेस खरीद सकते हैं हम गैजेट्स खरीद सकते हैं अदर चीजें भी खरीद सकते हैं तो आप अपनी शिक्षा पर एजुकेशन पर भी ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं क्योंकि जब नॉलेज आपके पास होता तो वो कभी खराब नहीं जाता बेकार नहीं जाता दैट इज वॉट सो so, डमी पर गाइज आप मेरी यूजीसी नेट की क्लासेस ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं टीजीटी पीजीटी और एल टी ग्रेड क्लासेस तो ये जो नंबर स्क्रीन में चल रहा है आपकी इस नंबर पर डायरेक्टली मैसेज या कॉल करके आप ले सकते हैं इसके लिए मैं प्राइवेट क्लासेस प्रोवाइड करता हूं ऑल द क्लासेस जीके जी एस लिटरेचर पूरा का पूरा आपका ग्रामर भी और हर एक वर्क और बहुत ही अच्छे से एक बार उस वर्क को पढ़ेंगे लाइफ टाइम आपको याद रहेगा मेरे साथ जवाब पढ़ेंगे ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस और बाकी आपसे मेरी मुलाकात फिर होती रहेगी और तब तक के लिए मैं आपको क्या बोल सकता हूं नमस्कार बोल सकता हूं तब तक के लिए है ना और बोल सकता हूं गाइस थैंक यू सो मच डजंट इट बोल देना चाहिए गाइस थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे कोई भी क्वेरी हो गाइस तो जरूर आप वंडरफुल नोट्स क्लासेस और टेस्ट सीरीज के साथ आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूपीएलटी वाला बैच अभी भी हमारे लिए एडमिशन आपके लिए ओपन है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग नहीं अरेंज कर पाए 399 इसका चार्ज है 399 चार्ज है इसका टीजीटी के लिए है ओनली एंड ओनली 1500 और पीजीटी के लिए ओनली एंड ओनली टू थाउजेंड है ना ये जो ये वाली क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी और ये वाली क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी पूरी ठीक है बस ये थी हमारी इंफॉर्मेशन बाकी आप अपना ख्याल रखिए सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच एंड अ नाइस डे